Hi guys, welcome back to my channel Shystyles. So in this video I'm going to talk about this new product. So it's like liquid skincare and this is going to be my favorite skincare product. It's the new L'Oréal Paris Revitalift Crystal Micro Essence. Firstly, just look at the packaging. So premium, so luxurious, frosted क्लियर ग्लास बॉटल है ये जिसके अंदर है प्रोडक्ट. इट ऑल्सो सुपर इजी टू यूज. आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई इट लिटिल लेटर इन द वीडियो. ओके गाइज, सो ये प्रोडक्ट टॉप फेवरेट है साउथ ईस्ट कंट्रीज में. आई रिसेंटली गॉट माई हैंड्स ऑन नेट और इसको ट्राई करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर एक फुल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो इस वीडियो में मैं इसी प्रोडक्ट का L'Oréal Paris Revitalift Crystal Micro Essence का एक फुल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. और ये आपकी स्किन में इतने अच्छे से सोक होता है और ये आपको देता है प्लम्प फीलिंग एंड इट ऑल्सो फीलिंग लाइक वाटर, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है. तो बहुत ही लाइट वेट वाटरी फीलिंग देता है ये आपको. सो मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ सिंस 1 वीक से, लाइक 6 to 7 days ही हुए हैं. एंड आई हैव टू टेल यू गाइज, इट मेक्स माई स्किन सो रेडियंट, सो स्मूथ और इट फील्स कि जैसे कि आप you know, अंदर से ग्लो कर रहे हो. इट गिव्स यू अ वेरी ब्यूटिफुल inside glow, you know. Look at my skin. I have no makeup, like no base makeup except this L'Oréal Paris Revitalift Crystal Micro Essence. मैंने सिर्फ इसको अप्लाई किया है except my brows and lipstick, and just look at my skin. इसके अंदर जो वाटरी टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से सोक करता है स्किन में. सिंस दिस प्रोडक्ट हैज 10 लेयर पेनिट्रेशन एंड इट रियली डज मेक द स्किन क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो यू गाइज नो आई लव मॉइस्चराइजर एंड सीरम. आई लव कि मेरी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहे. सो आई हैव ट्राइड सो मेनी मॉइस्चराइजर एंड सीरम इन पास्ट. सो जिसमें से कुछ सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर यू नो थिक और हैवी होते हैं स्किन पे, बट द फैक्ट दैट this is just like water, this is a liquid, so it feels like I have water on my skin. The texture is so lightweight and super unique. मतलब skin को hydrate भी करता है, refresh भी करता है. At the same time it gives you full hydration, but it doesn't make your skin too much heavy कि ऐसा लगे कि हमने बहुत ज़्यादा heavy product apply किया है. It's super lightweight on your skin, especially summers में, as summers is not so far away but summer season start ही होने वाला है and this product is perfect for this summer season. It doesn't feel oily on your skin और ये आपको hydrate भी रखेगा. So guys, मैं जैसे काफ़ी बार बताती हूँ कि oily skin के लिए भी hydration बहुत ज़रूरी है. So ये product oily skin के लिए भी बहुत ही perfect रहने वाला है because the formula and consistency is just like water. So ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं दिखाएगा. एट द सेम टाइम इट गिव्स यू अ परफेक्ट हाइड्रेशन स्पेशली ऑयली स्किन के लिए. ओके, सो ये प्रोडक्ट मेरा मस्ट हैव प्रोडक्ट होने वाला है मेरे समर स्किन केयर रूटीन में. एंड प्लस इसके साथ साथ अगर you know, मेकअप के लिए भी आप बहुत ही अच्छा है. मेकअप से पहले आप मॉइस्चराइजर जो यूज़ करते हो, इट्स अ ग्रेट सब्सटीट्यूट गाइज फॉर योर हाइड्रेशन. तो मेकअप से पहले भी डेफिनेटली मैं इसे यूज़ करूँगी. सो गाइज़, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो इसको इतना अमेजिंग एंड इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे कि आपको पोर्स जो होते हैं रिफाइन होते हैं एंड क्लियर रहते हैं आपके पोर्स. एंड स्किन टेक्सचर को ये इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है. ये एक्सफोलिएट एंड प्योरीफाई करता है आपके स्किन टेक्सचर, जिससे आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी एंड क्लियर लगती है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज Centella Asiatica. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, Centella Asiatica. सो इट हैज़ एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज़ एज वेल. सो ये हाइड्रेट, स्मूद एंड रिफ्रेश्ड तो करता ही करता है, साथ में साथ इसके साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं. तो Centella Asiatica हेल्प्स आपके स्मूदन करने में हेल्प करता है आपके फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को. और उसके साथ साथ इट्स डीपली रिपेयर योर स्किन. सो आपकी स्किन you know, अंदर से यंगर लुकिंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है. एंड इट ऑल्सो बूस्ट स्किन इलास्टिसिटी. तो ये ओवरऑल आपको एक अच्छा स्किन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. सो अब आप सोच रहे होंगे इस प्रोडक्ट को अप्लाई कब करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो इस प्रोडक्ट को आप दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम एंड नाइट टाइम। सो मॉर्निंग में आप सिंपली अपने फेस को क्लीन करके लाइट क्लिनजर से या फिर फेस को वॉश करके आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप मॉर्निंग टाइम में बाहर जा रहे हैं तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं कि आपको अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करती है। बट इफ़ यू फील कि नहीं मुझे और अच्छा हाइड्रेशन चाहिए तो आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। ओके सो या एंड नाइट टाइम में अगर आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये आप 2 बेस्ट टाइम हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ट्वाइस अ डे आपको इसे अप्लाई करना है। और इसे आपको कैसे अप्लाई करना है? वेरी ईजी गाइज, बहुत ही ईजी है इसको अप्लाई करना। आपको सिंपली अपने पाम में इसके 4 to 5 ड्रॉप्स लेने हैं, दैट इज इनफ। एंड जेंटली हैंड में आपको रब करना है, बहुत ही जेंटली, हार्शली नहीं। एंड जस्ट सिंपली आपको अपने स्किन में, फेस में इसे डैप 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 जस्ट पैट कर देना है। बहुत ही ईजी है और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। द बेस्ट थिंग, जैसे आप इसे लगाओगे इट्स क्विकली एब्जॉर्ब इन योर स्किन और ये 10 लेयर डीप पेनिट्रेशन आपको देता है, जिससे डीपली आपकी स्किन रिपेयर होती है और आपको अंदर तक हाइड्रेशन मिलता है इसको अप्लाई करने के बाद। इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद ही, लाइक 4 to 5 डेज़ के अंदर ही मुझे इसके डिफरेंस दिखने लग गया था मेरे स्किन पे, स्पेशली दिस ग्लो, विदाउट मेकअप दिस ग्लो एंड जो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सब्सटीट्यूट फॉर योर मॉइस्चराइजर। और ये जो हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है स्किन को, आई जस्ट लव्ड इट सो मच। एंड गाइज इसका फॉर्मूला सुपर यूनिक फॉर्मूला, लाइक वाटर फॉर्मूला। सो आई थिंक मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको एक बार ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखना चाहिए। एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखो। मेरे पास जो ये बॉटल है वो है 130 ml, जिसका कॉस्ट है 1400 रुपीज़। बट डोंट वरी, इट कम्स इन 3 डिफरेंट साइजेस। दिस इज़ द लार्जेस्ट बॉटल। इट कम्स इन 22 ml, जिसका कॉस्ट 250 रुपीज़ है जस्ट। एंड देन 65 ml, जिसका कॉस्ट 799 है। सो आप स्मॉलर बॉटल से ट्राई करके देख सकते हो एंड देन स्विच कर सकते हो बड़े बॉटल के ऊपर। Definitely you will loved it and like all skin types, मैं कहूँगी all skin types को सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, मेरे पे इतना अच्छा वर्क कर रहा है। ड्राई स्किन वाले भी इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं एंड ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट है। सो ऑयली स्किन पीपल भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इसे ट्राई करते हो और इसका रिजल्ट आपको 1 वीक के बाद दिखने लग जाता है तो गाइज मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे वहाँ पे टैग भी कर सकते हो और आपका जो भी फीडबैक होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस के रिव्यू के ऊपर। ओके सो आई विल लीव अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू want to check it out। So आप जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आप इस प्रोडक्ट को देख पाएंगे बहुत ही सारे मेरे स्किन केयर वीडियो में, बिकॉज आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। ओके सो पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो लीव अ कॉमेंट। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।